आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 मिसलिनियस का, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं वो आपसे ध्यान दीजिए बेटा। आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बेटा रियल पार्ट बताना है किसका, Z1 इंटू Z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1। फिर बेटा इमेजिनरी पार्ट बताना है 1 ओवर Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ठीक है। तो भाई अब इसको जरा छोटा कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत है नहीं। देखिए जरा, पहले जो आपको दिया हुआ है पहले आप वो लिखोगे, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन पे जरा ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है Z1 जो कि आपको क्या दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, और Z2 की वैल्यू बेटा आपको कितनी दी हुई है -2 प्लस आयोटा। आप जरा ध्यान दीजिए बेटा, आपको Z1 के कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप पहले निकाल लीजिए, है ना। अरे आज अभी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मतलब के ऐसे लिख दोगे डायरेक्टली तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या होता है बेटा Z1 का कॉन्जुगेट, जरा ध्यान दीजिए बेटा, 2 प्लस आयोटा। बेटा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। अब कुछ नहीं, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए बेटा। आपको इसके लिए जरूरत क्या पड़ने वाली है बेटा, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बेटा Z1 की वैल्यू कितनी है ज़रा देख लीजिए, 2 माइनस आयोटा, और Z2 की वैल्यू बेटा कितनी है ज़रा देख लीजिए, -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1 बेटा कितना आया है 2 प्लस आयोटा। बताइए कोई दिक्कत। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ज़रा देखिए, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर माइनस आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगी तो -, -, +, हो जाएगा और 2 आयोटा आ जाएगा। फिर बेटा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है -1, इसलिए क्या आ जाएगा बेटा +1, कोई दिक्कत। नीचे ज़रा देख लीजिए 2 प्लस आयोटा, बेटा रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -3, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा +4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब बेटा ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में हम आयोटा को नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन, तो 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। बताइए कोई दिक्कत, जरा ध्यान दीजिए बेटा। नीचे तो बन गई आइडेंटिटी, तो a² - b² और ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -3 को 2 से करोगे तो बेटा क्या आएगा -6, -3 को आयोटा से करोगे तो बेटा -, क्या हो जाएगा प्लस, तो +3 आयोटा आ जाएगा। फिर बेटा जरा ध्यान दीजिए, +4 को 2 से करोगे तो 8 आयोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 8 आयोटा। फिर जरा ध्यान दीजिए, iota into iota -1, और यहां पर ऑलरेडी -1 है तो -, क्या हो जाएगा प्लस, और 4 की जगह पर आ जाएगा 4। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ जी, अच्छा -, -+, हाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -2 और +11 आयोटा। यहाँ पर जरा देखिए 4 और -, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -, क्या हो जाएगा +1, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा 5 आ रहा है, इसका मतलब -2 ओवर 5 और 11 आयोटा ओवर 5 ही आएगा। तो बेटा रियल पार्ट ऑफ किसका, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज कितना है बेटा -2 ओवर 5। बताइए कोई दिक्कत बेटा, पीछे आंसर भी चेक कर लेना, ठीक है, वैसे तो ठीक ही है।